दूर कर देता। संतों का यह भाव रहता है, संतों का स्वभाव रहता है कि जो रो रहा है उसको हंसा देना, जो दुखमय है उसको। ये संत का स्वभाव है, इसलिए तो नारद जी ने मन में सोचा कि ये युवती रो रही है तो इसके निकट मुझे जाना चाहिए। लेकिन नारद जी ने देखा, कह रहे निकट तो जाऊंगा लेकिन वहां स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, स्त्रियों के बीच में संत का कोई काम नहीं। जहां स्त्रियां हैं वहां मेरा कोई काम नहीं। तो नारद जी देख करके भी अनदेखा करके निकलने लगे। लेकिन जो दसों दिशाओं में अपना रक्षक खोज रही थी, उस युवती ने जैसे ही नारद जी को देखा, संत महात्मा को देखा कि वो जा रहे हैं, तो आवाज लगा रही है, कह रही है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। उसने आवाज लगाई, हे साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंतामपि नाशय, हे साधु महात्मा केवल एक क्षण के लिए रुक जाइए। नारद जी को वो युवती केवल एक क्षण रुकने के लिए कह रही है। क्यों? क्योंकि संत महात्माओं का कहना है मेरे भाई बहन कि व्यक्ति को अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए और संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए केवल युवती ने रोका भी नारद जी को, तो कहा एक क्षण, और संतों का एक क्षण भी यदि किसी को मिल जाता है तो एक क्षण में भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसलिए उस स्त्री ने केवल एक क्षण के लिए रोका, क्षणम तिष्ठा मत चिंतामपि नाशय, आवाज लगाई है, हे महात्मन रुकिए, मेरे कष्टों को दूर करिए, मैं दुखी हूँ। तब नारद जी उसकी आवाज सुन करके उसके पास गए। नारद जी ने उस रोती हुई स्त्री से पूछा, देवी काशी तुम काव्यमो चीमा नार्याः का पद्मलोचना, तुम कौन हो, ये नारियां कौन है, तुम्हें क्या दुख है, तुम मुझसे कहो, मुझे बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। तब उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमोमि तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जल जरो, मेरा नाम भक्ति है महाराज जी, और ये जो नारियां हैं ये गंगा यमुना सरस्वती, मेरी गोद में जो दो वृद्ध पुरुष आप देख रहे हैं, एक ज्ञान है और वैराग्य है, ये बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हे प्रभु अब आपके मुझे दर्शन हुए हैं तो अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागहरं परम, जब तक संतों का दर्शन नहीं होता तब तक व्यक्ति के पाप क्षीण नहीं होते, और संतों के दर्शन यदि हो गए तो व्यक्ति के पाप समस्त नष्ट हो जाते हैं। वही बात तो विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी से,